हजरते जुलकरनैन रदी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन में इख्तदार दिया था। चार लोग दुनिया में ऐसे हो चुके हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया में इख्तदार दिया, एक वक्त में पूरी दुनिया का एक ही बादशाह। दो मुसलमान थे, दो काफिर। मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ुलकरनैन अलैहिस्सलाम, और काफिरों में बख्त नसर और नमरूद। ये दो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया में इख्तदार दिया, और फिर इसके बाद आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इमाम मेहंदी को सारा इख्तदार अता फरमाएगा पूरी दुनिया का। हजरत ज़ुलकरनैन के बारे में दो रिवायात हैं, एक तो ये है कि वो नबी थे और एक ये है कि नहीं, वो वली थे। लेकिन मुझे हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मिला है जिसमें आपने फरमाया कि नहीं, वो नबी नहीं थे। तो इसलिए मेरा नज़रिया यही है कि वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, अल्लाह ने उन्हें पूरी ज़मीन में इख्तदार दिया। वो एक मुहिम पे निकले, उनका इरादा बना कि मैं ज़रा दुनिया का चक्कर लगाऊं, तो उन्होंने सफ़र शुरू किया कि मैं देखूं ज़रा सूरज ग़ुरूब कहाँ होता है। तो फरमाते मैं पहुंचा, बड़ा गया बड़ा गया, लेकिन मैं उस मकाम तक पहुंच गया जहां सूरज ग़ुरूब होता है। तो फिर मैंने देखा कि एक स्याह कुआं है जिसके अंदर जाके वो छुप गया है, लेकिन रब करीम की उस हकीकत तक मैं पहुँच सका नहीं। फिर आप फरमाते हैं कि मैं आगे निकला तो मुझे एक कौम के बारे में बतलाया गया जो बड़ी खूनखार कौम थी, बड़ी खूनखार, उसको याजूज और माजूज कहा जाता है। ये कौम इतनी खूनखार थी कि ये दरिंदों को भी खा जाया करती थी। इतने लंबे चौड़े इनके कद थे, इतने ज्यादा ताकतवर थे कि सांप और बिच्छू भी खा जाते थे। ये निकला करते थे सब्जे के दिनों में तो सारी खेतियां उजाड़ जाते थे, हर चीज तबाह कर जाते थे, हत्ता कि इंसानों तक को खा जाते थे। तो हजरत ज़ुलकरनैन जब वहां पहुंचे, अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें उन मजलूम लोगों का मददगार बनाया जिन पर याजूज और माजूज की कौम जुल्म करती थी। उन्होंने आपसे कहा कि हुजूर मेहरबानी फरमाए, इस कौम से तो हमारी जान छुड़ाएं। आपने फरमाया तुम मेरी मदद करो। उन्होंने कहा हुजूर किस तरह? फरमाया बस जिस्मानी तौर पर मेरी मदद करो। तो आपने फिर वहां एक दीवार बनाई, एक दीवार लोहा काट कर, शीशा पिघला कर, पत्थर डालकर एक बड़ी मोटी ताजी दीवार बनाई, और इतनी ऊंची बनाई, और फिर उसके चारों जानिब आग जलाई ताकि वो लोहा इस तरह पिघल जाए कि वो दीवारों के साथ चिपक जाए, ताकि कोई आदमी पैर रखना चाहे तो पैर रख के उस पर चढ़ ना सके। आपने वो दीवार बनाई। अब उस कौम का हाल ये हुआ कि वो उसके अंदर कैद हैं, वो सुबह जब उठते हैं तो उसको तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते रहते हैं तोड़ते रहते हैं। तो जब शाम होती है तो उनमें से हर रोज एक शख्स कहता है इतनी रहने दो, बाकी कल करेंगे। लेकिन जब वो सवेरे उठते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को फिर से मजबूत फरमा देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब कयामत में एक वक्त आएगा, कयामत के करीब जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि उस मखलूक में से ही एक शख्स पुकारेगा और पुकार के कहेगा कि अब सो जाओ इंशाल्लाह, अल्लाह उनकी जुबान पे जारी कहेगा अब सो जाओ और सवेरे इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। तो फरमाया वो चूंकि इंशाल्लाह कहेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला अगले दिन उस दीवार को वहीं पे रखेगा जहां रात को उन्होंने उसे छोड़ा था। अगले दिन वो तोड़ेंगे तो दीवार सारी टूट जाएगी और फिर अल्लाह तबारक व ताला का फजल होगा तो मुसलमान की तरफ वो बढ़ेंगे, वो कत्लो गारत करेंगे, फिर से वही दरिंदगी करेंगे। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करेंगे, तो दुआ का ये हाल होगा कि उनके वजूद पर कुछ ऐसी चीजें बरामद होंगी जिनकी वजह से वो मर जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, कयामत के करीब जाके वो दोबारा आएंगे। इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ की आखिरी आयात में सात समुंदर और इन जैसे और भी आ जाएं, फरमाया सात समुंदर हों और इन जैसे और भी आ जाएं और मिलकर वो रोशनाई बन जाएं तो मेरे रब के कलिमात खत्म होने से पहले समुंदर खत्म हो जाएंगे। और आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह ही एक
बशर हूँ, अना बाशर हूँ मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक। अब मिसलुकुम का बहुत सारे लोगों ने तर्जमा अपनी तरह का कर लिया है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बशर होने में मैं तुम्हारी तरह हूँ, रसूल होने में तुम्हारी तरह नहीं, अल्लाह का हबीब होने में तुम्हारी तरह। और वो ये जो मैं कह रहा हूँ ना नहीं, तो ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में जो मेरी तरह हो, ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे सूरह मरियम शुरू होती है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहि सलाम का जिक्र फरमाया है कि वो लावलद थे और बढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की, जो इनका और आले याकूब का वारिस हो, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की बिशारत अता फरमाई, जिसका नाम उन्होंने यहया रखा, बल्कि ये नाम उन्होंने पहले से रख लिया था, ये यहया नाम उन्होंने पहले से रख लिया था। मुझे अब लोग किस सेंस में मसला पूछते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझसे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले पूछा कि पैदाइश से पहले बच्चे का नाम रखना जायज़ है, तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, आप सूरह मरियम पढ़ेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि हज़रत ज़करिया ने बेटे का नाम पहले ही रख दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन कामिल था कि रब करीम मुझे बेटा ही अता फरमाएगा। तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन में ही नबुव्वत अता की और किताब दी। इनके औसाफ ये बयान किए कि वो पाकीज़ा और मुत्तकी थे, माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश नहीं थे। इन पर सलाम हो जब वो पैदा हुए, और इन पर सलाम हो जब उनकी वफात हुई, और कयामत के दिन जब उन्हें उठाया जाएगा। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर या किसी भी नबी पर सलाम भेजना, और उस दिन पर सलाम भेजना जिस दिन अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है, ये कुरान मजीद से साबित है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे, दिल अफरोज साथ पे, तो ये ऐने कुरान मजीद है कि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन उन पर सलाम। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे चलकर हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है कि उनके पास फरिश्ता आया। हम तीसरे पारे में भी उनका जिक्र पढ़ आए, फिर एक आध और जगह पे भी इशारतन किनायतन उनका तज़किर आया कि उनके पास फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, और फरिश्ते ने आके कहा कि मैं आपको बेटे की बिशारत देने आया हूँ। कहने लगी मेरे पास कैसे बेटा आएगा, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। तो फरमाया रब ऐसे ही करता है जब वो किसी काम का इरादा फरमा लेता है। तो हजरत मरियम के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत फरमाई। हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई, तो ये आपका मुजज़ा और हजरत मरियम की करामत सामने आई कि आप एक खुश्क खजूर के नीचे बैठी, तो अल्लाह ताला ने उसे सरसब्ज़ो शादाब कर दिया, और आप उसको हिलाती थी तो वो खजूरें गिरती थी। बड़ी परेशान थी आपके कौम के सामने क्या मुँह लेके जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए इल्ज़ाम लगाना प्रोपोगंडा करना बड़ा ही आसान काम है। दो ही तो काम दुनिया में आसान है, एक बदगुमानी करना और एक गीबत करना। और इतना मजेदार काम है कि आप सारी दिहाड़ी कराएं, कोई बंदा थकने को तैयार माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सारा दिन। और अगर आप कहें कि अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह ले लो, सिर्फ 500 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तो फिर क्या बनेगा, काम याद आ जाएगा, बहुत सारे लोगों निकल लेंगे। कभी कभी कुछ चीजें बड़ी याद रह जाती हैं। एक शायर ने एक शेर कहा था, मेरी थोड़ी सी शेरी ज़ौक है तो मुझे दिलचस्पी है, रह जाती हैं कुछ बातें जहन में। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त के बारे में कुछ प्रोपेगंडा होने लगा, तो मैंने उन्हें एक शेर लिख के भेजा, मुझे याद था मैंने एक शेर लिखा। किसी शायर ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, निकाबे के अंदर से मिट्टी लेके लोग बुत बना लेते हैं और अल्लाह का शरीक बनाते हैं। तो कहने लगा शायर के मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। लोग तो मिनट लगाते हैं, वो जो रही मस्जिद में पली मस्जिद में, लोगों ने इल्जाम लगाने का वक्त आया तो इल्जाम लगा दिया, सैयद आयशा सिद्दीका पे लगा दिया।
सिद्दीक की बेटी और सिद्दीका। आप सोच सकते हैं कि लोग कहां तक जाते हैं और बातें कहां तक पहुंचती हैं। तो ये मेरे रब करीम का फजल और करम है कि जनाबे मरियम की बरात का ऐलान भी कुरान ने किया और हजरत आयशा सिद्दीका की बरात का ऐलान भी कुरान पाक ने फरमाया, ये भी कुरान मजीद ने फरमाया है। और कल परसों भी बात हो रही थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो इल्जाम तो लगते रहते हैं, तो मैंने उस दिन भी सवाल किया था, फिर दोहराता हूं कि गलती क्या थी हजरत यूसुफ की। कभी कुआं अंधेरा, कभी भाइयों के थप्पड़, कभी मिस्र का बाजार, और जरा सोचो तो सही जब बोलियां लगती हैं इंसान की तो क्या हाल होता है। और फिर जरा ये भी तो देखो ना कि जब जुलैखा ने इल्जाम लगाया तो फिर क्या हाल है, और फिर 12 साल की जेल। पर रब फरमाते हैं शाने मैंने यूसुफ को ही अता फरमाई है। तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब वो बेटा लेके गई उनके पास, तो उन्होंने कहा ये कहां से आ गया। तो आप फरमाने लगी मैंने तो चुप कर रोजा रखा हुआ है, इसी से पूछ लो ये कहां से आया है, यही बताएगा। पंगूड़े में थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, पंगूड़े में। तो कुरान मजीद कहता है, कहने लगे काला इन्नी अब्दुल्ला, हजरत ईसा बोले और बोल के कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूं। और आतानी अल किताब, खाली नहीं आया, किताब साथ लेके आया हूं। वजह आलानी नबी या, और उसने मुझे नबी बना के भेजा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में है तो कलाम फरमा रहे हैं, अपने नबी होने का ऐलान फरमा रहे हैं। अब उस बंदे के करीब जाके उससे सवाल करने को दिल नहीं करता जो नबी पाक के बारे में कहता है 40 साल के बाद नबी बने। यहां पंगूड़े में हजरत ईसा कलाम करें, पंगूड़े में, और वो पंगूड़े में कहे मैं नबी हूं, और तो अपने रसूल के बारे में ये कहे कि बकरियां चरा रहे थे तो माज़ अल्लाह उन्हें पता ही नहीं था कि मैं नबी बन जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, यानी बचपन में भी रंग ढंग निराले थे मेरे रसूल के। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, उस खुदा भाती सूरत पे। और मरहूम आजम चिश्ती ने भी एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर।